सभी मतदाता ध्यानपूर्वक सुने, चुनावी प्रक्रिया ठीक 8 बजे शुरू की जाएगी। आप सब एक एक करके अंदर जाएंगे और अपने उम्मीदवार के निशान पर मोहर लगाएंगे। आप सबकी सुविधा के लिए बताया जा रहा है कि श्रीमती रंजना राजवंशी, उनका चुनाव चिन्ह है कलम, और श्री कमल नारायण राजवंशी का चुनाव चिन्ह है चक्र। आप सबसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें और चुनावी प्रक्रिया में भाग लें। धन्यवाद। जल्दी चलो विवान, हमको समय पे पहुंचे का जल्दी। अरे चकुर, तुम्हारी तरह भगवान ने हमें हिरण के पैर थोड़ी ला दिए जो इतनी तेज भाग सकते हैं। हम तो छोटी मालकिन को ही वोट दे हैं। हाँ भाई, हमका भी यही लागत है कि छोटी मालकिन बड़े मालिक से बहुत ही अच्छी है। और का, अरे छोटकी मालकिन तो हमारे बचपन को स्कूल का कपड़ा, बस्ता, सिलेट, चाक सब कुछ तो दिए हैं, है कि ना? सही बात। हम तो कहते हैं बड़का मालिक चुनाव हार गए हैं ना, तो हमका तो बहुत ही खुशी हुई है। कहे से कि लठे तन ने नाक में दम कर रखा है। सही बोला था, परेशान हो गए हम लोग सब। मनोहर भैया, अगर छोटी भौजी जीत जाई है ना, तो भैया जी की नाक कट जाएगी। चुप। मनोहर के रहते हैं ना, ऐसा कबो नहीं हो सकता। ए, बंदूक मंगा। दो चार की आज सफाई होगी, सब खुद समझ जाएंगे कि इन्हें करना क्या है। वोटिंग एरिया में बंदूक लाना, मतदाताओं को दिखाना और डराना बहुत बड़ा जुर्म होता है। आप नादान हैं, नहीं जानते, इसलिए बता रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके ना, ये बंदूक वापस हवेली भिजवा दीजिए, वरना हमें मजबूरन आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर देना पड़ेगा। कहा कलेक्टर बाबू, एक थोड़ी थोड़ी सी बात पे आप इतना गर्म हो जाते हैं? किसी ने आपको बताया नहीं कहा कि इतना गुस्सा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है? और ये क्या कह रहे हैं आपके, हम लोगों को धमका रहे हैं? कहां धमका रहे हैं भाई किसी को, हम ना अपने बंदूक की नाल को साफ कर रहे हैं। और जहां तक रही बंदूक की बात, तो एक लाइसेंस है हमारे पास, है? आप कहें तो हम दिखाएं। आप लोगों को किसी के भी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। हम फिर से कहते हैं आपको, आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए फोर्स और चुनावी अधिकारी मौजूद हैं यहां। अच्छा, तो यहां बंदूक, लाठी, डंडों की राजनीति चल रही है। पकड़ रहे। रंजना, एक बार फिर से हम तुमसे कहेंगे कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही। हम भी एक बात फिर से कहते हैं कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। बस मनोहर भैया, बहुत हो गया। ये लीजिए, एक धमाका होगा, दो चार लोग मरेंगे, तो सबको समझ में आ जाएगा किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। सही कह रहा है रे तू।
ईश्वर रावत को यहां से भगाने का और गीदड़ों से वोट लेने का हमें कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। हमारे बड़के भैया की इज्जत बचाना ना बहुत जरूरी है। काहे की ना मनोहर के इज्जत की बात है। बड़का भैया ए पकड़। हाँ भैया सुनिए सुनिए मनोहर, जोश में आकर आप कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। लेकिन बड़का भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। काहे कि गांव वालों के तेवर देख के लग रहे हैं ना कि सब के सब हमारे धर्म पत्नी जी को वोट दे देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप। हमें चकोर पे पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करेगी। चकोर विवान के बापू, अगर आप कछु ऐसा वैसा किए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये जो अपना डंडा बंदूक है ना, उसका छुपा है जियो। हाँ पापा, चकोर सही कह रही है। आप कुछ मत कीजिए, हमें कुछ करने दीजिए। जल्दी चलो विवान, हमने पास समय नहीं है। अरे छगन, बिल्लू, इमली, सावन का बोल कि आपके पेड़ के तले आ जाए, हमका एक बहुत जरूरी बात बताए का है। ईश्वर साहब, जो लड़की भैया जी के लिए कैंपेनिंग कर रही थी वो आप देख रहे हैं इस वक्त भी प्रचार कर रही है। चकोर, चकोर हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने अभी इसी वक्त कमल नारायण के लिए प्रचार बंद नहीं किया तो इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और वहां जितने भी लोग खड़े हैं आप प्लीज वहां से अभी इसी वक्त हट जाएं और पोल बूथ के बाहर मत देने के लिए कतार में खड़े हो जाएं। अब क्या होगा चकोर? चकोरिया कहाँ हुई गवा बिटिया? माई हम कल आ गए थे, माने खार जाई हैं। नहीं नहीं बिटिया, ऐसा मत बोल। अरे डाक बाबा का आशीर्वाद सदा तो रहे साथ है। मालिक मालिक ना ही हारी है, हमका पूरा विश्वास है। तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालिए। दी दी ये तो बताओ हम ऐसा कहा करिए जो बड़े मालिक जीत जाए। बापू बच्चे लोग का तो वोट नहीं होते ना? नहीं बिटिया। अच्छा इमली, तू ना सारे बच्चों का जमा कर दे। ठीक है दीदी। हम बच्चे वोट नहीं दे सकते हैं, पर हमारे माई बापू इसलिए वोट देते हैं ताकि हम सब हम स्कूल जा सके। और हमको मालूम है कि ये काम सिर्फ मालिक ही कर सकता है, छोटी मालकिन कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? छोटी मालकिन ने तो स्कूल में भर्ती कराई का वचन दिए है और हमको स्लेट और बस्ता सब दिए है। देखो वो हमारी मम्मी है और हम तुमसे कहते हैं कि वो एक भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाएगी। और काहे नहीं, उन्होंने तो वादा किया है ना। छोटी मालकिन चुनाव जीते के लिए सब खेल खेलता है और झूठे वादे करता है।
बड़ी मालकिन का कछु खिलाएगा बीमार के रहे और मालिक जो छोटी मालकिन से शर्त लगाए रहे वो पूरी नहीं कर सके। हाँ वो हमको भी पैसे दी रही और वापस छीन लिए थे, वो बहुत बुरी है। और हम बहुत कुछ बताइए छोटी मालकिन के बारे में, वो झूठी है, धोखेबाज है, गांव के बच्चों के लिए कछु ना करी है। और ये बात जाई के अपने माई बापू का बताई देना कि गांव में जब शिक्षा आई है तो मालिक लाई है, छोटी मालकिन नहीं। चकोर ये क्या कर रही हैं आप? आपने अभी तक अपना प्रचार बंद नहीं किया? अब जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते आपको नजर बंद रखा जाएगा। चलिए अब जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता आप यहीं कंट्रोल रूम में रहेंगी, समझी? मौसा जी हम आपका फिर एक बात बोला था, जो छुट्टी मालकिन है ना आप ही पे भरोसा नहीं करो। चकोर हम इस इलेक्शन के इंचार्ज हैं, भरोसा करना या ना करना हमारा काम नहीं है। अब उम्मीदवार जाने या वोटर्स, आप किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, बस समझ गई आप? मतदाताओं से हमारा निवेदन है कि चुनाव का समय अब शुरू हो चुका है, सब शांतिपूर्वक वोटिंग आरंभ करें। यहां से हिलना नहीं है। भैया जी की मुख्य प्रचारक यहाँ कैद में बैठी है। सच बताएं चकोर, ये हारी हुई चकोर को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर उससे भी अच्छा तब लगेगा जब हम भैया जी को हारते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, है ना? तुमने हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया, बस एक बार जीत जाने दीजिए हमें, फिर देखिएगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धक्के देकर इस गांव के बाहर फेंकवा देंगे। छोटे मालकिन हम मालिक का इसलिए प्रचार कर रहा था कि हमको आप पे भरोसा नहीं है। आप बस्ती के बच्चों का स्कूल कब होना भेजी है? Oh my God, चकोर बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो हम गांव के बच्चे बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? अरे वो जो पढ़ाई लिखाई की बात कही थी हमने, वो तो
इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि तुमने गांव वालों के दिमाग पर शिक्षा लेने का भूत चढ़ा दिया था और भैया जी से वादा भी ले लिया था। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। बंधुआ जब तक बंधुआ रहते हैं तभी तक बंधे हुए कुत्ते की तरह रहते हैं। अगर एक बार खोल दिया तो हमें नहीं काट लेंगे। ये बात तो हमको पहले से मालूम थी छोटी माइकिन, इसलिए तो हम मालिक का प्रचार किए रहे। अगर वो जीत जाई है तो हमने बस्ती में विद्यारानी आई है। अगर बड़े मालिक गामा एक रात वाली शर्ट जीत जाते तो सब उका ही वोट देते ना। चकोर तुम कितनी भोली हो। हमारे होते हुए भैया जी कैसे शर्त जीत जाते। चल अब हम बताते हैं कि तुम्हारे मालिक शर्त कैसे हारे। हुआ यूं कि जिठानी जी को भी हमने बीमार किया। और वो डॉक्टर भी हमारा आदमी था। वो जानबूझकर जिठानी जी को सही दवाई नहीं दे रहा था। चकोर और ये बात तुम गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता भी दोगी ना चकोर, तो भी हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है और तुम्हारे पास समय भी नहीं बचा। एक बात और चकोर, तुमने कोशिश बहुत की पर आखिर में हमसे हार ही गई तुम। अरे हमने भैया जी को पराजित कर दिया तो तुम क्या चीज हो चकोर। तुम गांव वाले तो वो कीड़े मकोड़े हो जिन्हें पैरों के नीचे कभी भी कुचला जा सकता है। चकोर चकोर ये क्या कर रही हैं आप, बंद कीजिए माइक्रोफोन। कुछ नहीं किए मौसा जी, जो छोटी मालकिन के मम्मा जो आया वो बोल दी और बस्ती वाले सुन लिए तो माँ हमारा का दोष है। माइक्रोफोन की? हाँ मम्मी माइक्रोफोन ऑन था और आप जो बोल रही थी वो सब बस्ती वाले सुन रहे थे। हेलो हेलो बस्ती वालों, ये हम जो भी इस लड़की से बोल रहे थे वो सब मजाक था। हम ये हमारी बच्ची है। तीर निकल चुका है रंजना जी, अब वापस नहीं आ सकता। हम आपका पहले ही बोले रहे मौसा जी कि छोटी मालकिन भरोसे के लायक नहीं है। रंजना जी तो जो है सो है, मगर आप अद्भुत हैं चकोर। आपने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी। अब भैया जी के जीतने की तो क्या खुशी होगी हमें, मगर इस बात की खुशी जरूर है कि आप जीत गई। अरे मौसा जी अगर आप ही मशीन हमारे पास नहीं रखते तो कुछ नहीं होता। आपका नहीं मालूम पर सच तो ये है
कि आप ही हमारी सहायता किए। एक बात याद रखिएगा चकोर, आपने इस गांव में एक इंसान के चेहरे से तो मुखौटा हटा दिया, मगर यहां ऐसे कई हैं जिनके चेहरे पे एक नहीं बहुत सारे मुखौटे हैं। उनके असली चेहरे आपको दिखाई नहीं दे रहे। हमारी यही प्रार्थना होगी कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने का आपका जोश कहीं आपको कोई बड़ा धोखा ना दिलवा दे।